मैं इस समय भरतपुर के नदवई में हूँ, जहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली होने वाली है और कुछ ही देर में वो यहाँ आएंगी। चलिए चलिए मैं बताता हूँ, कुछ ही देर में वो यहाँ आएंगी। और सर दिल्ली से आए हो, थोड़ा आगे तक जाएंगे। कुछ ही देर में यहाँ वो आने वाली हैं। सिक्योरिटी से काफिला देखिए, मैं 1 किलोमीटर दूर से गाड़ियों की लंबी काफिला। और राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव है, 11 को नतीजे आएंगे। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जो बहुजन समाज की एकजुटता है वो देखने को मिल रही है मायावती की रैलियों में। जिस तरह से भीड़ जुटती है, जिस तरह से लोग आते हैं, अप्रत्याशित है। आपको भरोसा नहीं होगा कि आखिर इतनी भीड़ आती कहाँ से है। तो मैसिव रैली है, अद्भुत रैली है, बड़ी रैली है। और मैं सीधे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको ये। और अभी मंच दूर है, अभी मंच दूर है यहाँ से, अभी मंच दूर है यहाँ से, और मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। देखिए वो सामने वहाँ मंच बना हुआ है, बीएसपी वहाँ लगा लीजिएगा मायावती जी का। तो अभी थोड़ी दूर है, आई नहीं है वो, लेकिन भीड़ के लिहाज से बात करें तो मैसिव रैली है। नहीं, वहाँ नहीं जा पाएगा ना गाड़ी। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको नदवई से, और लगभग 1 बज चुका है। थोड़ी ही देर में मायावती के हेलीकॉप्टर आने वाला होगा। और राजस्थान में भीड़ जुटाना बड़ी बात है। ये भरतपुर जो है उसके पास है नदवई, और 7 तारीख को मतदान होंगे। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मायावती की रैलियों में अगर भीड़ को पैरामीटर्स माने, पैमाना माने, तो मैसिव रैली होती है, बड़ी भीड़ होती है और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ भरतपुर से आपको कि मैसिव रैली है। और 1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का काफिला था। अब मैं अभी जो रैली स्थल है उससे अभी थोड़ा दूर हूँ, और जिस तरह से आपको भीड़ दिखाऊंगा, देखिए ये हेलीपैड है, ये हेलीपैड है जहाँ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जाएंगी। तो ये हेलीपैड देखने के लिए लोगों की भीड़ है, लेकिन इससे कितना गुना, देखिए बड़ा मैदान है, बड़ा मंच तैयार किया गया है और एक बड़ी भीड़ है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बीएसपी कैडर के हिसाब से अगर बात करें तो बड़ी पार्टी है और बड़ा कैडर वोट है उनके पास। तो ये रैली दिखा रहा हूँ आपको सीधे, ये देखिए ये भीड़ देखिए आप, और ये हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहले अवेलेबल है। और जैसे ही मायावती के आने का ऐलान होगा लोग जो हैं वो रैली की तरफ चलेंगे। मैं आपको रैली स्थल की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैसिव रैली होती है मायावती की, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। टेलीविजन अखबार भले ना आपको दिखाए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 11 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे होंगे। जिस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, राजस्थान में देखा है। बीएसपी काफ़ी मजबूती से, ताकत से चुनाव लड़ रही है, ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी बीएसपी सुप्रीमो आई नहीं है, उनके आने में अभी देरी है, लेकिन भीड़ के हिसाब से बात करें तो बड़ी रैली है, मैसिव रैली है। और कुछ ही देर में वो आएंगी यहाँ, और जैसे सूचना मिलेगी वो आएंगी मंच पर। नारेबाजी तेज़ हो गई है, इसका मतलब है कि वो आने वाली होंगी। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे मैं आपको नदवई से। राजस्थान में 7 तारीख को वोटिंग होंगे, तो नदवई से तस्वीरें दिखा रहा हूँ लाइव की किस तरह की मैसिव रैली है। और मैसिव भीड़ होती है मायावती की रैलियों में। और तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ जाएंगे। और देखिए जितने लोग ग्राउंड में हैं उससे ज़्यादा लोग ग्राउंड से बाहर होते हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर लोगों में क्रेज होता है। और गाड़ियों का काफिला मैंने दिखाया आपको, तो बड़ी रैली होती है मायावती की। 2 रैलियाँ उन्होंने 28 और 29 तारीख को उन्होंने जिस तरह से तेलंगाना में 2 रैली की है, वहाँ जिस तरह से भीड़ जुटी है, अब राजस्थान मध्य प्रदेश में जिस तरह से भीड़ जुटी है, उससे साफ है कि आपको चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं।
11 दिसंबर को, क्योंकि पहली बार बहुत ही ताकत से मायावती चुनाव लड़ रही हैं और मैसिव रैली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भीड़ के लिहाज से बात करें तो मैसिव रैली है, बड़ी रैली है ये। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मैं अब ग्राउंड तक पहुंचने वाला हूं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे नदवई से, और वही टी शर्ट किताबें बिकती रहती है जहां भी बीएसपी की रैली होती है, वहां सारे इंतज़ाम आपको दिखेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो की रैली है, बड़ी रैली है, और हेलीपैड से ग्राउंड की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये देखिए गाड़ियों का काफिला है। यहाँ से मायावती इन करेंगी वहाँ, तो बड़ी रैली है, ताकत रैली है, और एक बड़ी रैली है जो बीएसपी सुप्रीमो की बड़ी रैली है। मैं ग्राउंड में भी जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की एक मैसिव रैली होती है, बड़ी रैली होती है, और दिखाऊंगा एक काफिला गाड़ियों का इसे वो आएंगे। बड़ी मैसिव रैली है और ये रास्ते हैं, इसे आप जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, इससे नीचे दिखा रहा हूँ, हेलीपैड यहाँ बना हुआ है, हेलीपैड से बहन जी को यहाँ लैंड करेंगी वो। और मैसिव रैली है, देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सीधे पहली रैली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राजस्थान में ये मायावती की तीसरी रैली है, माफ़ कीजिएगा, ये चार रैलियाँ हो चुकी है, पांचवी रैली है आज ये, और पांचवी रैली के बाद दो रैलियाँ और वो कल करेंगी। हेलीपैड यहाँ बना हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। थोड़ी देर में वो आएंगी, और भीड़ ग्राउंड से ज़्यादा, आप देखिए हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ होती है, तो एक मैसिव रैली है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, नदवई जगह है ये, भरतपुर में आता है नदवई जगह है, और मैसिव रैली है, मैसिव प्रोटेस्ट है, और जिस तरह से भीड़ है उससे साफ है कि बड़ी रैली है ये। आपको कुछ लाइव तस्वीरें भी दिखाऊंगा, तस्वीरें देखिए, आपको नदवई से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मायावती की रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती है और काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ी देर में वो आने वाली है। तो नदवई में ये पांचवी रैली है मायावती की, इसके बाद तीन और रैलियां हैं, आज दूसरी रैली जो है वो बांदीपुर में है, तो काफ़ी भीड़ जुटती है लोगों को, और महिलाओं की संख्या ठीक ठाक होती है। मधुबनी से रैली दिखा रहा हूँ, गाँव की भीड़ है, और ये आपको सीधे नदवई से वहाँ जो है वो भीड़ जुटती है मायावती की, पीछे तक लोग हैं, पूरा ग्राउंड जो है वो लोगों से, और ये मंच मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ जहाँ सामान्य विधानसभा क्षेत्र से, ग्यारह दिसंबर को नतीजे आएंगे, और ये जिस तरह से भीड़ जुट रही है यहाँ उससे साफ है कि आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाएगी, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपको रैली दिखाया जाए, और तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको सीधे किस तरह से मैसिव भीड़ होती है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इससे भीड़ होती है मायावती की। और देखिए क्या बोल रहे हो, देखिए काफ़ी भीड़ है, मैसिव रैली है, थोड़ी देर में भी मायावती आने वाली है, और उससे आगे जाना संभव नहीं है, उसके बाद आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैसिव रैली होती है, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते हैं, जानिए भैया मायावती आने वाली है, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के नतीजे आएंगे। और मैसिव रैली हो रही है, और बड़ा ग्राउंड है, पूरा भरा हुआ है, जहाँ तक आप देखेंगे लोग ही लोग हैं, मैसिव रैली है, मैसिव भीड़ है, तीन तीन लेयर की सीट होती है, उसके बाद
वो भरा हुआ है। मैं तो मेरे प्रजापति भाई से तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, नदवई जगह है और भरतपुर जिले में आता है ये राजस्थान में। 7 तारीख को पहुंची है, थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है और अभी जितने लोग यहाँ ग्राउंड में आपको दिख रहे हैं इससे ज्यादा लोग बाहर है और थोड़ी देर में यहाँ जमा हो जाएंगे। तो भीड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, नदवई की रैली है और मैसी भीड़ है और मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह से तमाम राहुल गांधी सोनिया गांधी मोदी की रैली दिखाई जाती है आपको मायावती की रैलियाँ दिखाऊँ और तो बहुजन समाज के लिहाज से दिखाऊँ किस तरह की भीड़ है। तो भीड़ के लिहाज से बहुत मैसिव रैली होती है और प्रेस से हूँ सर, अभी इधर से ही आया था। तो ये सिक्योरिटी का भी ठीक ठाक इंतजाम होता है और ये देखिए किस तरह से मैसेज काफी भीड़ है, लोगों को हटाया जा रहा है उस तरफ से, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत संख्या में देखिए ये मोबाइल नंबर थोड़ी याद होता है, 5 मोबाइल एक तो आप अच्छे से बात करें, ठीक है, अच्छे से कर रहे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमारी जो ड्यूटी है उसको हम करेंगे। आप एसएसपी से बात करवा सकते हैं। अरे बात उसकी नहीं है, बात उसी की है ना, नहीं हमारे यहाँ सुरक्षा सारे है ना, 1% भी नहीं है, साहब घूम रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है साहब। बहस मत कीजिए, बहस मत, क्या नाम है आपका? ये एक मैसिव प्रोटेस्ट है, भीड़ है ये और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं और देखिए किस तरह से क्या रहेगा नतीजा इस बार, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं लोगों को। और बहुत सारी लेयर की सिक्योरिटी दिखा दिया है सर, बहुत सारी लेयर की सिक्योरिटी होती है, आप देख सकते हैं 1 पैरामीटर बना हुआ, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। चूंकि मीडिया जैसे भी लोग हैं, कितनी भीड़ आई होगी, कितनी की भीड़ होगी यहाँ, कम से कम 1.5-2 लाख की भीड़ होगी। नहीं, 1.5 लाख नहीं, 1 लाख के आसपास। तो देखिए ये बाहर भी लोग खड़े हुए हैं, महिलाओं की ठीक ठाक संख्या है, काफी संख्या में लोग आए हैं, युवाओं की बहुत भागीदारी, अच्छी भागीदारी है और भरतपुर है तो डिस्ट्रिक्ट टाउन है और इम्पोर्टेंट शहर है। तो तस्वीर सीधे दिखा रहा था मैं आपको भरतपुर से, भरतपुर के नदवई में मायावती की 5वीं रैली है, इसके बाद 3 रैली अब और करेंगे। तो तस्वीर सीधे दिखा रहा हूँ, शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नदवई, भरतपुर, राजस्थान। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।